ग्वालियर में गुरुवार देर रात पुलिस डीजे पर जमकर पीटी। रात 2 बजे बर्थडे पार्टी में सड़क पर डीजे पर नाच रहे लोगों को जब डाल 100 के स्टाफ ने समझाना चाहा तो वो गाली गलौज पर आ गए। करीब 8 से 10 नशे में धुत युवक पुलिस जवानों से बहस करने लगे। उनको धमकाया कि हमारा डीजे, हमने पैसा खर्च किया, जब तक मर्जी होगी बजाएंगे। पुलिस जवानों ने फिर समझाया तो नाच रहे युवकों ने डीजे का साउंड और बढ़ा दिया। इसके बाद डाल 100 के चालक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, साथ ही उसके साथ आए पुलिसकर्मियों से भी मारपीट की। डाल 100 में तोड़फोड़ भी कर दी गई। पुलिस वाले वहां से भागते नहीं तो नशे में धुत युवक जान भी ले सकते थे। पुलिस ने घायल चालक का इलाज कराने के बाद 2 नामजद सहित अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामले को दर्ज कर लिया है। इंदरगंज स्थित प्याऊ वाली गली निवासी भूपेंद्र सिंह के घर पर बेटे का बर्थडे था। घायल डाल 100 का चालक ने बताया कि उन्हें आधी रात को डीजे बजने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ इलाके में पहुंचे थे। वहां युवकों को समझाने पहुंचे तो युवक विवाद पर उतर आए और विवाद इतना बढ़ा कि डाल 100 के चालक ने उनका वीडियो बनाने का प्रयास किया, जिस पर उन्होंने पटक कर मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौजूद सभी लोगों ने उसे और पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया। जिसको जैसा मौका मिला वैसे ही उन्हें पीटा। वहां से भागते नहीं तो शराबी उन्हें पीट पीट कर मार डालते। वहीं कंट्रोल रूम को सूचना देने पर हमलावरों ने MDT तोड़कर फेंक दी। मामले का पता चलते ही इंदरगंज थाना पुलिस के साथ ही अन्य थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले ही हमलावर वहां से भाग निकले। हमलावरों में भूपेंद्र जाटव, राहुल सहित अन्य अज्ञात पर मामले दर्ज किए गए हैं। ये पहला मौका नहीं है कि बदमाशों ने डायल 100 में तोड़फोड़ की है। 5 महीने पहले इसी FRV पर बदमाशों ने हमला कर तोड़फोड़ की थी, लेकिन उस समय इनकी शिकायत नहीं हुई थी और स्थानीय स्तर पर चर्चा कर मामले का निराकरण कर लिया था। SSP ग्वालियर अमित सांगी ने बताया कि मामले को दर्ज कर लिया गया है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। थाने में डायल 100 पे एक इवेंट आया था कि डीजे काफी जोर से बजा रहे हैं। ये देर रात की बात है, 2-2:30 बजे की। तो डायल 100 वहाँ पर डीजे बंद कराने गई थी, पड़ोसियों ने शिकायत की थी और इस पर वहाँ पे विवाद हुआ, जिस पे डायल 100 का जो पायलट, जो ड्राइवर है, उसको चोटें भी आई हैं और जो साथ में 2 अन्य आरक्षक थे उनके साथ भी झूमा झटकी की है। इस पे मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण थाना इंदरगंज में दर्ज किया गया है। जो आरोपी गण है वो उसके बाद से फरार हो गए।